दोस्तों, बिग बैंग से पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, केवल एक ही ध्वनि थी जिसे हम ओम कहते हैं। ओम ही एक ऐसी ध्वनि है जिससे इस सृष्टि, वेद, उपनिषद, मंत्रों और पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि ओम शब्द का उच्चारण भगवान शिव के मुख से ही हुआ था। उसके पश्चात यह पूरी सृष्टि अपना एक आकार लेने लगी थी। अर्थात ओम कुछ और नहीं भगवान शिव का ही प्रतिबिंब है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक अपार शक्ति की अनुभूति हमें होती है। मानो ऐसा लगता है जैसी पूरी सृष्टि हमारे अंदर ही मौजूद हो और वह हमें ऊर्जा दे रही हो। यह हमारे सारे दुख और संताप को शांत कर देता है और हमारी आत्मा को एक शून्यता से जोड़ता है और हमारी आत्मा को शून्यता की ओर अग्रसर भी करता है। और जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह हमें ऊर्जा से पूर्णतः भर देता है। यह शब्द हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यह संसार असल में एनर्जी के वाइब्रेशन से ही बनता है। जिसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है उसका आकार अलग होता है और जिसकी वाइब्रेशन कम होती है उसका आकार अलग होता है। जब हम ओम का उच्चारण किसी लिक्विड यानी जल के सामने करते हैं तो जल का आकार सिमेट्रिकल शेप ले लेता है। यह बताता है कि ओम में कितनी एनर्जी है। यहाँ तक कि नासा भी ओम शब्द की शक्ति को समझते हैं और एक रिसर्च में पाया गया है कि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नासा के एक ऑब्जर्व में देखा गया है कि सूर्य से निकलने वाली ध्वनि भी असल में ओम ही है। और अभी कुछ दिनों पहले जब एक ब्लैक होल की ध्वनि को ध्यान से सुना गया तो उससे भी एक ओम की ध्वनि ही बाहर आ रही थी। दोस्तों, अगर हम इस ओम का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा का लेवल बढ़ता है और हमारा मन हमेशा शांत रहता है। और अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका प्रभाव भी कम होता है। तो आप अगर इस प्रकार से ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। आप हमारे वर्ड को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस प्रकार की वीडियो हमेशा लाएं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो कृपया नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें।